इस क्रीम को बनाकर आप अपने हाथों को, पाँव को बहुत ज़्यादा गोरा, नरम, मुलायम, सॉफ्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं विंटर में हम तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, बट हमारे हाथों के जो रिंकल्स होते हैं वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होते, और हमारे हाथ पाँव बहुत हार्ड होते हैं, स्किन इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो उसके लिए जी बहुत ही ज़बरदस्त एक फार्मूला आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ एक पाउडर जो हम इसमें ऐड करेंगे उस पाउडर का ही कमाल है। तो चलिए जानते हैं वो पाउडर कौन सा हमने इसमें ऐड किया है जिससे ये क्रीम इतनी ज़बरदस्त हो गई है, बहुत ही अच्छा। तो चलिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी टिप्स। से शादी उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सब लोगों को अपने जमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम जो कि विंटर में यूज़ कर की जा सकती है, आप चाहें तो इसे समर में भी यूज़ कर सकती हैं। हमें चाहिए जी बहुत ही कोई भी लोशन आप ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर छोटा सा चुना मुन्ना सा एक लोशन ले रही हूँ, केयर लोशन, इससे भी छोटा मिलता होगा। वैसे तो आप वैसलीन लोशन भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यकीन जाने इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो खुशबू है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून के लगभग हमने लोशन ऐड किया है। आप कोई भी लोशन ऐड कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है ये आपके हाथों को झटपट में फेयर करती हैं, आपकी जो हाथ पाँव की जो रिंकल्स होती हैं उनको रिमूव करती हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो जी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के बारे में आप जानते हैं कि ग्लिसरीन सर्दियों में एक अनमोल तोहफा है, क्योंकि ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है, शाइन कर देते हैं, हमारी स्किन पे जितनी भी ड्राइनेस है उसको रिमूव कर देता है। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है ग्लिसरीन सर्दियों में, तो ये इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वह है वैसलीन। आपके पास जो भी वैसलीन है आप वो ऐड कर सकती हैं, और मेरे पास ये है वैसलीन तो मैं ये ऐड कर रही हूँ। और नेक्स्ट और लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैं ऐड करूँगी वो भी इसमें ऐड करूँगी, फिर इसके बाद इसको हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ तक मेरे चैनल पर जो न्यू आया है और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा जी, ये है जी कपूर का पाउडर, कपूर की टिक्कियाँ होती है ना, ये वो मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। कपूर का आप जानते हैं कितना फ़ायदा होता है, अगर मैं आपको गुनवाने लगूँ तो मेरी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो कपूर की टिक्कियाँ जो होती है उसको आप ब्लेंडर करके इस तरह से रख लीजिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही कलर को इन्हेंस करती है आपकी जो स्किन वगैरह। अगर आप चाहें तो इसको एड़ियों पर यूज़ कर सकती हैं, फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो इसको अच्छे से हमने करना है मिक्स, मिक्स करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और कपूर की टिक्कियाँ जो होती है वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती, नॉर्मली आप किसी भी दुकान से इजी से ले सकते हैं ये, और इसको बनाकर आप रख सकते हैं। ये तकरीबन हमारी हफ्ते की क्रीम यूज़ बन चुकी है, बिल्कुल थोड़ी सी लगाई जाती है क्योंकि इसमें वैसलीन है, ग्लिसरीन है जो कि बहुत ज़्यादा क्रीमी फॉर्म में होती है और हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप यकीन जाने एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये देखिए इतना अच्छी सी एक क्रीम्स और स्मूथ सी क्रीम बनकर हो गई है रेडी। अब हमने क्या करना है, हमने ना इसको किसी भी जार में बना के रख लेना है, ये 15 दिन के लिए आपके लिए बहुत है। तो इसको हमें इसी जार में बना के रख लेंगे हम, आपके पास जो भी है आप उसमें ऐड करके इसमें रख दें, और इसको फ्रीज़र में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि विंटर में वैसे भी मौसम इतना मतलब ठंडा होता है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो सकती। और इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की है जो कि ख़राब हो जाए, और ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।